में बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं हमारे दोस्त यम की बुमराह जी निंबाड़कर, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ गया तो, लेकिन कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम नहीं है उनका, जहां भी जाएंगे तो अच्छी बैटिंग ही करेंगे। और जो मेरे फैमिली में से बहुत अच्छे दोस्त है, बाद में वो पॉलिटिशियन है, बहुत सिंपल मैन है, जिनके कपड़े देखते हुए सबको लगा कि ये सही में एमपी है क्या, ऐसे मेरे दोस्त राजा बुवाजी जी, वो महाराष्ट्र में दोनों भी एमएलए रह चुके हैं, हमारे तमिलनाडु से आए हुए दोस्त जिन्होंने अच्छा यहाँ पे स्पीच दिया। सही तरह से डॉक्टर संदीप जी ने मुझे जब न्योता दिया कि इस कॉन्फ्रेंस में आपको आना है, मैंने सब स्पीकर्स और सब लोगों के नाम देख लिए और हिम्मत इसलिए जुटा पाया, ऐसे प्रोग्राम में आने के लिए आदमी ही नशा मुक्त होना चाहिए तो ही उसका मॉरल सपोर्ट रहेगा अगर यहां पे आने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी यहां पे कितने बैठे आदमी नशा करते हैं या नहीं करते है? नशा दो तरह की रहती है, काम की नशा, मैं भी नशा करता हूं लेकिन मेरे काम की नशा रहती है कि सामान्य लोगों के जो काम आते हैं उनके काम करने की जो नशा रहती है वो एक देश प्रेम की नशा रहती है, वो हम जरूर करते हैं, इसलिए तो हम काम करते हैं लोगों का। जब हमने फंक्शन यहां पे लिया है, कॉन्फ्रेंस यहां पे लिए, इंडिया में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एडिक्शन का जो मैटर आता है कि टोबैको के ऊपर आता है। जब फिगर्स निकालने गया मोर देन 14 लाख लोग ड्यू टू टोबैको डेथ होते, 14-15 लाख लोग, तो मुझे समझ में नहीं आया तो ये टोबैको कहां से आ गए। ये ऑल ओवर इंडिया को दिल्ली की देन है। जब हिस्ट्री में जाए मुगल सम्राट अकबर जब थे तो पुर्तगाल से कुछ पुर्तगीज लोग यहां पे आ गए, उन्होंने नजराना इनको पेश किया, तब से टोबैको हमारे पीछे लगी है। हालांकि दिल्ली में से यमुना जाती है, मैं 2-3 साल यहां पे रह चुका हूं एपीएस बोल के, पहले महाराष्ट्र में था, आई वॉज चीफ ऑफ दी चीफ मिनिस्टर मेडिकल असिस्टेंट सेल इन महाराष्ट्र, तो बहुत सारे केस मेरे पास जब बकल मुकसा के आते थे मुझे दुख इस बात का होता था कि उनको बचाने की प्रे करने के लिए उनकी वाइफ उनके साथ में आती थी, पूरा घर परेशान रहता था, साथ में बच्चे भी आते थे, उनको यह पता नहीं चलता था कि अपना पिता कितने दिन जिंदा रहने वाला है, बस उनके हाथ में इसको मेडिकल के लिए ट्रीटमेंट दिया जाए, इस प्रकार की आलोचना लेते हुए वो हमारे सीएम मेडिकल सेल में आ गए। लेकिन ये दिल्ली की देन है जो अब तक चलती आ रही है। फिगर्स निकालने जाने के बाद जब हम गुटखा वगैरह देखते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, 1200 करोड़ रुपीज इंडियन रेलवे जो गुटखा के स्टेन अंदर गिरते हैं ना यहां पे रेल में, उसको निकालने की कुछ जानकारी निकालने के लिए गया जो हमारे ऋग्वेद वगैरह इसमें था, इसमें उसको सोम नाम दिया था, आज उसको नाम बदल के वाई में चाणक्य के जो अर्थशास्त्र में उनके पास अलग नाम था कपास्यानी यानी रेड वाइन व्हाइट वाइन, लेकिन आम तौर से उस वक्त वाइन या अल्कोहल ऑपरेशन के बीच में पेशेंट के देने के लिए यूज किया जाता था, नहीं तो जो सिपाही सैनिक हो युद्ध में जब सामने लड़ाई हो तो उसके लिए दिया जाता था कि वो डर के मारे या भय के मारे पीछे ना हटे, उसको इस्तेमाल कैसे करना है उस वक्त कुछ तय था, आज तो ये आम हो गया। हमारे पुणे में परसों
महाराष्ट्र में सबसे ऑल ओवर इंडिया में ये बहुत हाईलाइट होगा कि एक पोर्श का एक्सीडेंट हो गया, पोर्श गाड़ी से दो बच्चों को उड़ा दिया। इतना हाईलाइट हो गया कि वो बच्चा बिलुदा 18 ईयर और छोटा बच्चा होके उसके ग्रैंडफादर ने उसको गाड़ी दी थी पोर्श। गाड़ी देने का ही सवाल नहीं है, उसने रात के 2:30 बजे दो बच्चों को उड़ा दिया है। इस हालत में, नशा की हालत में, बाद में बहुत सारे एलिगेशन हो गए, रिपोर्ट्स नील आ गई, जांच हो गई, वो अभी भी अंदर ही था आज तक। लेकिन जब हम सोचते हैं कि महाराष्ट्र नहीं तो ऑल ओवर इंडिया में 15,000 से ज्यादा एक्सीडेंट ड्यू टू अल्कोहल होते हैं, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट यहां पे होते हैं, यहां जान का कुछ है क्या नहीं, ऐसी नौबत यहां पे आ गई और इसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें आती है। जो स्मोकिंग करता है, अगर गुटखा खाता है तो उसको प्रॉब्लम आएगी, ड्रिंक करता है तो उसको आएगी, लेकिन स्मोकिंग जब आदमी करता है तो उसके आजू बाजू में जितने लोग हैं जो स्मोकिंग करता है उससे ज्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम आती है। मेरे तो हमेशा झगड़े होते रहते हैं, अगर किसी ने अगर कहा पे सिगरेट वगैरह पी मैं झगड़ता हूँ, हमें प्रॉब्लम आती है ना। उसके कुछ मैनर्स रहते हैं, उनको कुछ अलग है, एयरपोर्ट में हो या कहाँ पे हो, वो सिगरेट के लिए अलग होगा, लेकिन कुछ लोग उनका पैशन रहता है, पैशन आपके लिए तो लंग्स के कैंसर, बहुत सारे कैंसर के पेशेंट आते हैं। 11% रेशियो है ऑल ओवर इंडिया का, इतना पॉपुलेशन है, ये तो आइडेंटिफाई हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा होगा जो लोग स्मोकिंग करते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात इंडिया में ये है, करियर के नाम पे चलने वाले जो बच्चे, चाहे एमपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो या अदर करियर, जहां पे हम स्पोर्ट्स के एकेडमी में जो बच्चे जाते हैं, जो जिम में जाते हैं, उनमें क्यों ड्रग्स एडिक्शन हो रहा है, इसके पीछे कोई गया है? हमारे बच्चे करते क्या है वही हमें पता नहीं है। लेकिन मैं तो महाराष्ट्र से, हमारा और मुगल, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज, जहां से हमने हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना हमने रचाई, वहां से हम हैं। और मुगल और हमारे बीच में क्या फर्क है, हमें संस्कारों की देन थी। माता जीजाबाई ने हमें महाभारत और रामायण पढ़ाया था, उसमें संस्कार थे, और संस्कारी के बीच से हम हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज्य का राजा बना सके। लेकिन एक आम बात उसमें थी, मुगल के सैनिक जो करते थे वो नशा करते थे, वहां पे उनके पास नाचने वाली गाने वाली औरत भी थी, लेकिन हमारे यहाँ पे महाराज जी की पकड़ पड़ते हुए मराठी में लिखा था, कलावंतीन बटकिन दारू गांजा चालनार नाही किलियास डोचकी मार ले जाए। अगर आप नशा औरत इनका कुछ अगर हमारे इसमें संबंध रखेंगे तो आपको खत्म किया जाएगा, आपका सिर अलग किया जाएगा। ये फर्क है मुगल और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में। हम प्राउड फील करते हैं महाराष्ट्र से। और सबसे बड़ी बात, मैं कल महाराष्ट्र में 1-2 मिनट लेने वाला हूं। कल दिन कुछ अलग था हमारे लिए, एक ऑपरेशन मैं ऑपरेट कर रहा था, कल एक मिशन ऑपरेट कर रहा था। मैं वंदे भारत ट्रेन से गुजर रहा था, छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई की ओर आ रहा था, और माटुंगा के आसपास आने के बाद मेरे दोस्त का मुझे कॉल आ गया कि मेरा 13 साल का बच्चा अगवा किया गया है, उसको किडनैप किया गया है, अभी न्यूज चैनल में सब चल रहा है। उसका कॉल आने के बाद वो बहुत घबरा गया था, मैंने बोला क्या हो गया, तो फिर फिरौती मांगने वाले का कॉल आ गया, उसने उसे 5 करोड़ रुपए मांगे। तुरंत मैंने होम मिनिस्टर साहब और डिप्टी सीएम देवेंद्र जी फडणवीस साहब को ही मैसेज दिया, ऐसा सब हो गया तो एक्शन तो चलती रही। 11 घंटे ये सब कुछ चलता रहा, हमने किसी से लीक नहीं किया, FIR वगैरह दर्ज करने के इसमें नहीं गए, हम पुलिस को पता तो दिया, सिविल ड्रेस में सब कुछ हो गया ये मिशन। और 11 घंटे में 3 जो लोग हैं, जो गैंग्स थे,
उनको हमने अरेस्ट किया, बच्चों को भी छुड़वा लिया। लेकिन बाद में आज पता चला कि उसमें जो बच्चा था घर से बहुत अच्छा था, जिसने अगवा किया, किडनैप किया, वो बार बार धमकी दे रहा था कि मैं उसको HIV का इंजेक्ट करूंगा अगर पुलिस को बता दिया तो। हमारे समझ में नहीं आता था, मैं पूरे वीडियो देखता रहता था, जैसे CID की जैसे मैं पूरा वीडियो के पीछे जो भी कुछ आवाज आ रही है, जो कॉल उसने रिकॉर्ड किया उसके पीछे जा रहा था, क्या आवाज आती है, मुझे कुछ नशे का आवाज आ रहा था। और ध्यान से जब आज एडिशनल SP आयुष निपानी जी ने मुझे बताया कि वो कुछ एडिक्टेड है, अच्छे घर से है और करियर के नाम पे बर्बाद हो गए, अभी नशे में हो गए, बहुत सारा पैसा गया, उसके लिए एक बच्चे को अगवा किया। हम संस्कार दे सकते हैं लेकिन दवा से संस्कार नहीं बनता। मैं बारशी में गया, जो संदीप तांबारे जी का यूनिट था वहां पे मैंने विजिट की, बहुत अच्छा फंक्शन लिया उन्होंने,